हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और आज हम एक बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर एंड इट इज़ रिटन बाय जेरोम के जेरोम एंड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर हनी कॉम बुक एंड इट इज़ योर चैप्टर 9। सो ये स्टोरी बेसिकली दो लोगों के बारे में है जो डिसाइड करते हैं साइकिलिंग पे जाने के लिए, बट लेटर ऑन उनके साथ क्या क्या होता है, क्या फ़नी इंसिडेंट्स उनके साथ होते हैं, ये सभी स्टोरी में दिया गया है। और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम एक और चीज़ समझ सकते हैं कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को बिगाड़ना तो बहुत ही आसान होता है, हम फटाफट किसी चीज़ को बिगाड़ सकते हैं, बट जब उसे रिपेयर करने की, जब उसे वापस उसके प्रॉपर शेप में लाने की बात होती है तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पार्ट वन की वीडियो के बाद अगर आपको पार्ट टू का वीडियो भी देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो आइए ये लेसन शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज नरेटेड इन फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स कि ऑथर ने अपनी तरफ से ये कहानी हमें बताई है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। सो वो कहते हैं, अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई अग्रीड। ऑथर कहते हैं, एक ऐसा आदमी जिससे कि मैं जानता था, उसने मुझे प्रपोज़ किया। प्रपोज़ किया मीन्स उसने ऑफ़र दिया कि क्यों ना हम दोनों साथ में मिलके एक लॉन्ग बाइसिकल राइड पे जाएं। द फॉलोइंग डे मीन्स आने वाला जो दिन था, नेक्स्ट डे, एंड आई अग्रीड, और मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। आई गॉट अ पॉली फॉर मी, और जब मैं उठा, जिस वक्त मैं उठा वो टाइम मेरे लिए अर्ली था। मीन्स ऑथर यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि वो यूजुअली उस वक्त पर नहीं उठा करते थे सो के। I made an effort और मुझे इसके लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ी कि मैं उठ जाऊँ and was pleased with myself। और कोशिश करने के बाद जब मैं उठ गया उस वक्त जो कि हमने टाइम डिसाइड किया था, तो मुझे खुशी भी हुई इस बात की। He came half an hour late, और वो आदमी जिसने मुझसे बात की थी साइकिलिंग पे जाने की, वो हाफ एन आवर लेट आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, और मैं गार्डन में बैठा बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। It was a lovely day. ये बहुत ही खूबसूरत दिन था। He said, that's a good looking machine of yours. How does it run? जब वो आया, जब वो इंसान आया जिसने मुझे साइकिलिंग पे चलने के लिए कहा था, तो वो कहता है कि it's a lovely day. ये दिन तो बहुत सुंदर है। He said, that's a good looking machine of yours. फिर उसने मेरी साइकिल की ओर देखा और उसे कहा, that's a good looking machine. Good looking machine यहाँ पे साइकिल के लिए यूज़ हुआ है। और फ्रेंड ये भी पूछता है, हाउ डज इट रन, ये चलती कैसे है, मीन्स इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ओह लाइक मोस्ट ऑफ देम आई आंसर्ड, तो मैंने कहा, मीन्स ऑथर ने जवाब दिया कि जैसे कि बाकी की साइकिल्स चलती हैं वैसे ही। ईजीली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, सुबह सुबह तो बहुत अच्छी चलती है, गोज अ लिटिल स्टिफली, स्टिफली मीन्स अनफ्रेंडली, अ बिट ऑफ अनफ्रेंडली ये हो जाती है आफ्टर लंच, मीन्स आफ्टरनून के बाद तक। ये यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, जैसे हम लोग इंसान क्या होते हैं, सुबह जब उठते हैं फ्रेश रहते हैं तो सारे काम फटाफट करते हैं, बट आफ्टरनून के बाद थोड़े से टायर्ड हो जाते हैं। सो वैसे ही इन्होंने साइकिल को भी बोला है ऑथर ने। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील, उसने मेरी साइकिल को फ्रंट व्हील की तरफ से पकड़ा, एंड द फॉक, फॉक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो व्हील पे लगा होता है, फ्रंट व्हील पे, जिसके बीच में व्हील लगाई गई होती है जिससे कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे, इधर उधर ज़्यादा शेक ना करे। एंड शूक इट वायलेंटली, और उसने मेरी साइकिल को वायलेंटली शूक किया, मीन्स बहुत तेज से हिलाया। आई सेड, डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट, मैंने उसको बोला, डोंट डू दिस, ऐसा मत करो, यू विल हर्ट इट, तुम इसे नुकसान पहुंचा दोगे। किसको, यहाँ पे साइकिल की बात हो रही है। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, और मेरी तो ये समझ में भी नहीं आई कि उसको ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी, जब वो मेरी साइकिल को शेक कर रहा था तो मैंने उसको बोला कि ऐसा मत करो, तुम इसे नुकसान पहुंचा दोगे, और साथ ही साथ मेरे ये भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है। इट हैड नॉट डन एनी थिंग टू हिम, और मेरी साइकिल ने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, सो वाई वॉज दैट मैन डूइंग लाइक दिस। Beside, if it wanted shaking, I was the proper person to shake it. और अगर ऐसी कोई ज़रूरत भी थी कि उसको शेक करने की ज़रूरत है मेरी साइकिल को, तो मैं प्रॉपर पर्सन था, बिकॉज साइकिल तो मेरी थी तो मुझे ये करना चाहिए था।
I felt much as I should had he started whacking my dog. Whacking means hurting. मुझे बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था जैसे कि वो अगर मेरे डॉग को हर्ट करता तो मुझे जैसा फील होता वैसा ही मुझे फील हुआ जब वो मेरी साइकिल का व्हील टच कर रहा था और उसे शेक कर रहा था. यहाँ पे साइकिल को कंपेयर किया गया है लिविंग थिंग से, लिविंग बीइंग से, जो कि एक डॉग है. He said this front wheel wobbles. उसने कहा कि ये जो फ्रंट व्हील है ये शेक करता है. वॉबल का मीन्स डगमगाना, शेक करना या फिर अनइवन वे में चलना, डगमगाना. I said it doesn't if you don't wobble it. तो मैंने कहा अगर तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तुम इसे नहीं ऐसा करोगे तो ये नहीं डगमगाती है, ये प्रॉपर चलती है. It didn't wobble as a matter of fact, nothing worth calling a wobble. और मेरी साइकिल के साथ ऐसा कोई वॉबलिंग का इश्यू था ही नहीं, मतलब कि वॉबलिंग नाम की चीज़ तो थी ही नहीं मेरी साइकिल में एट ऑल. राइटर यहाँ पे कह रहे हैं ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल, ऐसा कुछ इश्यू तो था ही नहीं मेरे साइकिल के साथ. ही सेड दिस इज डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर. फिर उसने मुझे कहा इसका वॉबल करना जो है वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है. हैव यू गॉट अ हैमर, तुम्हारे पास हैमर है क्या? हैमर हथौड़ा. I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. मुझे वहाँ पे firm होना चाहिए था. Firm means कि वो मेरी साइकिल को नुकसान पहुँचा रहा था तो मुझे उसे firmly बोलना चाहिए था कि नहीं ऐसा मत करो. But I thought that perhaps he really did know something about the business. But मुझे लगा कि शायद उसको कुछ पता होगा इस business. Business means साइकिल के बारे में, साइकिल के मैकेनिज्म के बारे में, कैसे काम करती है, कैसे उसे रिपेयर करते हैं. मुझे लगा इसको पता होगा. आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड. फिर मैं अपने टूल शेड में गया. टूल शेड एक जगह होती है जहाँ पे बेसिकली गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं और टूल्स भी रखे जाते हैं उनको रिपेयर करने के, और बाकी जो घर की मरम्मत में या और भी जगह इस्तेमाल होने वाले जो भी टूल्स होते हैं वो सब एक जगह वहीं रखे जाते हैं. When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. और जब मैं टूल शेड से टूल लेके आया, अपना टूल बॉक्स लेके आया, तो मैंने क्या देखा कि वो क्या कर रहा था? He was sitting on the ground with the front wheel between his legs. मेरा फ्रंट व्हील साइकिल से अलग होके उसके दोनों पैरों के बीच में था. जब मैं टूल शेड से वापस आता हूँ तो मैंने ये देखा. He was playing with it, और वो इससे खेल रहा था. Twiddling it round between his fingers. Twiddling होता है twisting, जैसे घुमा घुमा के खेलना. So twisting it round between his fingers, और अपने fingers से उसे twiddle करके खेल रहा था. The remnant of the machine was lying on the gravel. Remnant means rest part of the machine. Machine यहाँ पे क्या है? Cycle है. The remnant of the machine was lying on the gravel. Gravel means a path made of stones, gravel path beside him. So मेरा front wheel जो है वो उसके हाथों में था जिसे वो घुमा घुमा के खेल रहा था, और जो बाकी का part था cycle का वो वहीं पे जो stone का बना हुआ path था उसके side में वहीं पे पड़ा हुआ था. He said it looks to me as if the bearings were all wrong. उसने मुझे कहा कि मुझे लग रहा है कि ये जो बेरिंग्स है, बेरिंग्स होती हैं ऐसा स्ट्रक्चर, आपने साइकिल्स में देखा होगा कई मशीन्स में ये लगा होता है जिससे मूवमेंट प्रॉपर हो व्हील्स का. तो उसने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि बेरिंग्स वर ऑल रॉन्ग, ये जो बेरिंग्स लगी हुई हैं ये सब गलत लगी हुई हैं. आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योरसेल्फ टायर्ड. तो मैंने उसको बोला, ऑथर ने उस पर्सन को बोला कि तुम परेशान मत हो इसको लेके, तुम थक जाओगे. You will make yourself tired. Let us put it back and get off. चलो इस सब को हम वापस रख देते हैं, means जैसे ये cycle थी हम उस state में इसको रख देते हैं और चलो चलते हैं. He said, we may as well see what is the matter with it. Now it is out. So फिर उस person ने कहा कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हम ये check कर लेते हैं कि क्या problem है इस cycle के साथ. Now it is out. अब तो ये पूरी खुली चुकी है तो हम यही देख लेते हैं कि इसके साथ issues क्या हैं. He talked as though it had dropped out by accident. और वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि मेरी साइकिल by accident गिर पड़ी हो और फिर उसका ये हाल हुआ हो, ना कि उसके खोलने से.
बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर, और इससे पहले कि मैं उसे रोकता ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर, उसने कोई चीज़ कहीं से अनस्क्रू कर दी एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डोजन और सो लिटिल बॉल्स, और पूरे रास्ते पे वो जो ग्रेवल पाथ था मेड ऑफ स्टोन उस पे पूरे रास्ते पे क्या हो गया, रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डोजन और सो लिटिल बॉल्स, जो लिटिल बॉल जो बेरिंग वाली थी वो पूरी खुल के पूरे रास्ते पे पड़ गई। कैच एम ही शाउटेड, ये एम यहाँ पे क्या है, ये देम है। कैच एम वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, हमें उनमें से कोई भी खोना नहीं है, कोई भी बॉल जो गिरी हुई है वो खोनी नहीं चाहिए, जल्दी से उसे पकड़ो पकड़ो, उस पर्सन ने ऑथर को कहा। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, और ऐसा कहते हुए बहुत ही एक्साइटेड लग रहा था जब वो बोल रहा था, तो इससे पता ही लग रहा था कि वो बहुत एक्साइटेड है ऐसा बोलने में। वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। ग्रोवल्ड मीन्स क्रॉल्ड, क्रॉल्ड मीन्स जब हम नीज और हाथों के बल पे चलते हैं फर्श पे, उसको कहते हैं क्रॉल। सो हम दोनों ने क्रॉल किया हाफ एन आवर और हमें कितनी मिली, 16 बॉल्स मिली जो कि गिर गई थी। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, तो उसने कहा कि मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि हमें सारी की सारी मिल गई, मीन्स कि 16 ही रही होंगी, बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, और अगर हमें सारी की सारी बॉल्स नहीं मिली हैं तो इस मशीन को कोई सीरियस प्रॉब्लम होने वाला है, कोई बड़ा सीरियस डिफरेंस आने वाला है इसकी फंक्शनिंग में। किसने कहा ये बात, उस पर्सन ने ऑथर को कही। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, मैंने उन बॉल्स की सेफ्टी के लिए अपने हैट में सबको रख दिया, बट इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू आई एडमिट, और बट मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये कोई बहुत ही इंटेलिजेंट काम नहीं था कि उन बॉल्स को अपने हैट में रखना। ही देन सेड दैट व्हाइल आई वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी एंड एट वंस बिगैन टेकिंग ऑफ द गियर केस, फिर उसने क्या कहा, उस पर्सन ने ऑथर को बोला दैट व्हाइल आई वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी, कि जब वो उसको देख ही रहा है साइकिल को कि क्या इश्यू है, फिर अब वो चेन को भी देखेगा, जो साइकिल की चेन होती है ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो साइकिल को चेन को भी देखेगा। एंड एट वंस बिगैन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और जो गियर केस था साइकिल का जो कि पूरा मूवमेंट कंट्रोल करता है पैडलिंग एंड ऑल, उसको उसने निकाल लिया। आई डिड ट्राई टू डिसुएड, डिसुएड का मतलब होता है टू कन्विंस नॉट टू डू समथिंग, किसी को किसी काम को ना करने के लिए कन्विंस करना, जैसे कि पर्सुएड होता है, पर्सुएड का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना कोई काम करने के लिए, सो डिसुएड इसका ऑपोजिट है। आई डिड ट्राई टू डिसुएड हिम फ्रॉम दैट, मैंने उससे उसको उस काम को ना करने के लिए डिसुएड करने की कोशिश की, कौन से काम को, गियर बॉक्स पूरा निकाल देने की। I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly. Solemnly का मतलब होता है in a dignified manner. मैंने उसे एक dignified way में वो बात कही जो कि मुझसे पहले मेरे एक friend ने कही थी बात, और वो क्या थी, और मेरे उस experienced friend ने मुझे कहा था if anything goes wrong with your gear case, अगर तुम्हारी machine के gear case के साथ कुछ भी गड़बड़ होती है, सेल दैट मशीन एंड बाय अ न्यू वन, उस मशीन को बेच देना ही बेहतर होता है और एक दूसरी नई मशीन खरीद लेनी चाहिए। यहाँ पे जब हम मशीन का मेंशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे साइकिल की बात कर रहे हैं, इट कम्स चीपर, और उस फ्रेंड ने ये भी कहा था कि साइकिल खरीदना चीपर होगा या मशीन खरीदना चीपर होगा इन कंपेरिजन टू गेटिंग द गियर केस रिपेयर्ड। He said, people talk like that who understand nothing about machines. फिर उस person ने author को बोला, कहने दो, people talk like that. लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं जबकि उन्हें machine के बारे में कुछ पता नहीं होता, लोग तब भी ऐसा बोलते रहते हैं। Nothing is easier than taking off a gear case. फिर उस person ने continue किया कि gear case निकालने से आसान तो और कोई काम ही नहीं है। I had to confess he was right, और मुझे confess करना पड़ा कि वो right था, क्योंकि उसने ये काम बड़ी आसानी से कर लिया gear case को निकालने का। In less than 5 minutes
ही हैड द गियर केस इन टू पीसेज, और उसने सच ही कहा था कि गियर केस निकालने से आसान तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि लेस देन 5 मिनट्स में ही उसने उसे निकाल लिया एंड माई गियर केस वॉज इन टू पीसेज लाइंग ऑन द पाथ, और वो उसी रास्ते पे, उसी कॉन्क्रीट वाले रास्ते पे पड़ा हुआ था एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और ऐसा लग रहा था कि मेरा गियर केस जो है स्क्रूज की डिमांड कर रहा है कि मुझे फिक्स कर दो. He said it was always a mystery to him the way screws disappeared. और उस पर्सन ने ऑथर को बोला, ये हमेशा मुझे मिस्टीरियस लगता है कि स्क्रूज खो कैसे जाते हैं, कैसे गायब हो जाते हैं. तो स्टोरी का फर्स्ट पार्ट बस यहीं तक, और इसमें हमने जाना कि कैसे प्लान होता है साइकिलिंग पे जाने का, बट रादर देन गोइंग ऑन साइकिलिंग दोनों मिलके कुछ और ही काम करने लगते हैं, साइकिल को ओपन करने लगते हैं, उसको अनस्क्रू करने लगते हैं, और वो जो पर्सन था जो जाने वाला था ऑथर के साथ, वो बहुत ही मास्टरी दिखाते हुए कि मुझे सब पता है, एक एक पार्ट साइकिल का अलग करने लगता है. इस वीडियो के पार्ट टू की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी, और हनीकॉम के बाकी के लेसन्स और पोइम्स की वीडियो के लिए को पढ़ने के लिए आप इंग्लिश अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. दैट वॉज ऑल फॉर दिस. थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग.